नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के बी राशि फल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 19 नवंबर दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्यदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव महाराज जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 19 नवंबर 2023 दिन रविवार। आज की तिथि है सृष्टि। आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:46 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 5:25 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:16 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है शाम 3:59 से शाम 4:43 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है भूरा और स्लेटी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं सूर्य अस्त के बाद घर में मिले ये संकेत तो समझे बरसने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा। जी हाँ दोस्तों, घर पर चिड़िया का घोंसला बनाना भी शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि जल्दी आपको कहीं से आकर्षक धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं सपने में झाड़ू, शंख, सांप, छिपकली, उल्लू, बांसुरी, कमल या गुलाब के फूल, घड़ा आदि जैसी चीज़ों को देखना भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों काली चींटियों का झुंड नजर आना बहुत शुभ है। यदि काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही छिपकली को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन घर पर छिपकली का दिखाई देना भी बहुत शुभ है। खासकर सूर्यास्त के बाद घर पर एक साथ 3 छिपकलियाँ देखना माँ लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत। तो दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक सिद्ध होगा। कोई भी औषधि या दवा लेने से पहले प्रमुख चिकित्सक की सलाह लें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रहे आपके पिता की कोई नज़दीकी सलाह आज कार्य क्षेत्र में ही आपको धन लाभ करा सकती है और आपकी प्रेम की प्यास आपको नए मित्र बनाने में मददगार साबित होगी। प्रेम सीमाओं से ऊपर होता है, आपने ये बात आगे भी सुनी होगी और ये बात आपके प्रेम में लागू भी होती है। लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो या अपने अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी प्रेमिका या प्रेम आपके साथ ही रहेगा और आज आपको वो इतना टाइट हग करेगा कि आप उसके स्नेह को भूल नहीं पाए। दोस्तों अगर आप कोई नया व्यवसाय या योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो जल्द ही फैसला करें, क्योंकि आपके सितारे मेहरबान हैं। जो आप करना चाहते हैं उस ओर कदम बढ़ाने में घबराएं नहीं।
परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार स्वयं को वक्त देना भूल जाते हैं। लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से आप दोनों कहीं बाहर घूमने या फिल्म देखने जा सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, आप अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई और कैरियर को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलने से सुकून रहेगा। जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास से अपना नुकसान करवा सकते हैं। फाइनेंस संबंधी मामले दिन की शुरुआत में ही निपटा लें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में अपना समय नष्ट करने के बजाय उत्तम जानकारियां हासिल करें। कारोबार में कुछ रुकावटें रहेंगी, लेकिन साथी और कर्मचारियों की मदद से समस्याएं हल हो जाएंगी। नए काम से जुड़ी कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक रहेगी। युवाओं की मित्रता में और अधिक प्रज्ञानता आएगी। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यस्त दिनों में से एक है, जब आपको अपने प्रेम के लिए समय नहीं मिल पाएगा और इस बीच आपका प्रेम आपसे नाराज हो सकता है। परंतु विवाह योग लोगों के ग्रहों में अभी इंतजार करना ही लिखा है, क्योंकि अभी समय प्रतिकूल है। इसको अभिकूल होने में थोड़ा समय लगेगा। भाई बहन या अपने लवर के साथ बहस होने की भी संभावना है। आज पूरी तरह से तैयार होकर अपने लक्ष्य और मिशन पर काम करें। कोई भी समस्या आए तो निराश ना हो। अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। इस अहम मौके पर अपने जोड़ीदार की भी सलाह लेना ना भूलें और दोनों मिलकर इस सफलता का आनंद उठाएं। दोस्तों, आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं। दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ कार्य सहकर्मियों को दे दें या कल के लिए बचा कर रखें। काम थोड़ा बढ़े ही करें, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं, और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। उस परिस्थिति का अभी इंतजार करें। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।